सभी ठीक होंगे। मैं इमरान खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो भी मेरे चैनल पर नया आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मैं बनाने जा रहा हूं आज हैदराबादी ग्रीन चिकन। तो चलो दोस्तों, पहले तो चलते हैं और चिकन लेके आते हैं, फिर उसके बाद का आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मेरा भाई, मेरा दोस्त है बचपन का। आधा किलो में मुझे चार लेग पीस दिए मेरे भाई ने, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, मैंने चिकन को धो लिया है। आपके सामने मैंने चिकन लिया था, लेग पीस दिए मेरे भाई ने आज मुझे। और इसके अंदर दोस्तों मैंने कट भी लगा लिए, आप भी लगा लेना चारों तरफ, ताकि इसमें क्या है ना, जो भी हम मसाला डालेंगे ना, इसको मेरीनेट जो करेंगे तो अच्छे से इसके अंदर घुस जाएगा नमक वगैरह, और सबका टेस्ट इसके अंदर अच्छे से आएगा। तो दोस्तों, मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन, 6-7 हरी मिर्च छोटी, शिमला मिर्च 3, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा अदरक और एक प्याज। प्याज को काटेंगे हम बारीक अलग से, और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा धनिया इसको डालेंगे हम मिक्सर में और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, ये डाला हमने मिक्सर में, ये भी छोटे टुकड़े कर लेते हैं थोड़े से अदरक के। हरी मिर्च, इसमें डालेंगे दोस्तों हम थोड़ा सा दही। अब आप सोच रहे होंगे इमरान ये क्या कर रहा है, जो भी कर रहा हूँ ना दोस्तों, जो भी कर रहा हूँ ना बहुत सही कर रहा हूँ। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दही, अब इसको पीसेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसको पीसेंगे मिक्सर में, इसका पेस्ट बनाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पेस्ट बन गया है, इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों, प्याज को काट लेते हैं बारीक। हमारा बारीक कटे हुए प्याज रेडी है और ये हमारा पेस्ट बन चुका है। तो दोस्तों, अब इसको मैरिनेट करने का वक्त आ चुका है। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले नमक, चिली विनेगर थोड़ा सा डालेंगे इसको, फिर इसके बाद डालेंगे दोस्तों इसमें हम ये जो हमने पेस्ट बनाया ना वो डालेंगे। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा केवड़ा, 2-3 बूंद डालेंगे बस। बस अब इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे दही,
ये पीस को काटा है ना, मैं कट लगाएंगे इसमें अच्छे से मल। इसमें दोस्तों अब डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें चिकन मसाला। तो दोस्तों इसको एक घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद में इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। दोस्तों आज मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी बनाने का, लेकिन क्या हुआ आज मैं माइंस पर लेट हो गया काम पे से आने में घर पर, तो उस वजह से दोस्तों के साथ भी पार्टी नहीं हुई। बात करते करते शिमला मिर्च काट लेता हूँ। और आज घर पर भी मेरी वाइफ भी नहीं है और मेरा बेटा मेहरान खान भी नहीं है, क्योंकि वो गए हैं अपनी नानी के यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। वैसे मेरे पास ऑप्शन था दोस्तों कि मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ पे जाके खा सकता था, अपने बड़े भाई के यहाँ पे जाके खा सकता था, लेकिन मैंने सोचा मेरे दोस्तों के लिए कुछ रेसिपी बनाई जाए तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपके लिए एक वीडियो भी बन जाएगा मेरा। दोस्तों मैं आपकी इतनी सोचता हूँ लेकिन आप मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, वीडियो को देखकर चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो ऐसा मत करो यार दोस्त। सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और कमेंट्स भी करो दोस्तों। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करो, कुछ कमी है तो उसके लिए भी कमेंट्स करो। यार शिमला मिर्ची कट गई दोस्तों बात करते करते। तो अभी हमारा मैरिनेशन हो चुका है एक घंटा, तो चलो करते हैं प्रोसेस चालू, क्योंकि भूख भी लग रही है बहुत ज़ोरों से और रोटी भी लाना है होटल से, वहाँ भी चलेंगे। चलो दोस्तों आगे का प्रोसेस रेडी करते हैं। दोस्तों मैंने लिया थोड़ा सा पत्ता तेजपान, तो 3-4 काली मिर्ची होगी और थोड़ी सी छोटे छोटे से ये टुकड़े लिए मैंने दालचीनी के और शाहजीरा। ये मेरी फेवरेट हांडी। तो गैस को कर दिया मैंने ऑन, इसमें डालते हैं दोस्तों तेल। तो दोस्तों ये लिया है मैंने तेल, ऑयल इतना लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, आप आपके हिसाब से थोड़ा बहुत ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा किलो चिकन है। इसको गर्म होने देते हैं, इसके अंदर डालेंगे, अब इसमें डाल देते हैं हम ये मसाला। अब इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। प्याज को होने देते हैं थोड़ी देर तक ब्राउन। प्याज ब्राउन हो चुके हैं दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। अब हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज हो चुकी है अच्छी तरह से, सारा पेस्ट भी इसके अंदर डाल दें। गैस को कर देंगे फुल। दोस्तों बहुत शानदार रेसिपी होने वाली है, हैदराबादी ग्रीन चिकन। और स्पेशल ये है इस बात में इसमें कि हमने लिया इसमें लेग पीस, ओनली लेग पीस, और उसमें लगा दिया हमने कट, ताकि इसकी जो पीस है ना अपना अच्छे से गल जाएगी और टूट टूट के उसमें गिर जाएगी, उसका अलग ही मजा आएगा। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। दोस्तों इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें जो दही डाला था ना हमने वो भी पानी छोड़ेगा, प्याज भी पानी छोड़ेगा और चिकन भी पानी छोड़ेगा,
तो हमने इसमें पानी नहीं डाला है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, थोड़ी देर इसकी भुनाई भी करेंगे, ऐसे भुनता भी रहेगा और पकता भी रहेगा। दोस्तों ये जब गलेगा ना तो जो हमने इसमें कट लगाए थे ना पीस के, वो पीस अलग होते जाएंगे छोटे छोटे, उसका मज़ा अलग ही आएगा। दोस्तों हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है ताकि भाप के अंदर गोश्त अच्छे से गल जाए, 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल लो पे। दोस्तों इसको खोल के देखते हैं इसके क्या हाल है। अब 10-15 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, खुशबू आने लग गई है दोस्तों बहुत अच्छी। देखिए दोस्तों ये रेडी होने पे आ गया है बिल्कुल, इसकी अच्छे से भुनाई भी हो गई है, पूरा तेल छोड़ दिया है मसाले ने और गोश्त भी गल गया है। लेग पीस से देखिए अलग होने पर आ रहा है, यही इसकी पहचान है। देखिए टूट के गिर गया है उसके अंदर। अभी रेडी हो चुका है दोस्तों, अब हम इसको खाने की तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ग्रीन चिकन रेडी हो चुका है हैदराबादी। ये हमने लिए यहाँ से रोटी, देखिए दोस्तों हमारा दस्तरखान लग चुका है। ये रोटी जो हम होटल से लेकर आए थे आपके सामने, और ये हमारा ग्रीन चिकन। दोस्तों चलिए खाते हैं, देखते हैं गोश्त गला के। अच्छे से गल चुका है ये दोस्तों, बहुत शानदार बना है। जितनी मेहनत की थी ना अल्लाह के करम से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत शानदार बना है। गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है, लेग पीस, और खाने में मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान उस परवरदिगार का जो हमें इन नियामतें खिलाता है। और दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।